नमस्कार, समस्त साहित्य सुधीजनों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। मैं नीलकमल और आप समस्त दर्शक सिंघल विजय का पठन और श्रवण कर रहे थे, यानी मैं पढ़ रही थी और आप सुन रहे थे। और ये यात्रा करते करते आज हम अपने अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। मैंने जब सिंघल विजय एकांकी की शुरुआत की थी तभी मैंने बताया था कि ये एकांकी जो है वो दरअसल एक अंक का होता है, एकांकी। लेकिन इस एकांकी में कुल 10 दृश्य थे और आज अंतिम दृश्य को लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ। 9वें दृश्य में हमने देखा कि महाराज तिश्य और कुमार महेंद्र के बीच वार्तालाप होता है और कुमार महेंद्र जो है ये बताते हैं कि वो धर्म का प्रचार करने के लिए सिंघल आए हैं और महाराज तिश्य उनका भव्य स्वागत करते हैं। तो चलिए अब अंतिम और 10वें दृश्य को हम पढ़ते हैं। बोधि वृक्ष के नीचे महेंद्र और संघमित्रा, संध्या का समय है और घंटा घड़ियाल आदि के शब्द और फिर धीरे धीरे शांति। महेंद्र कहते हैं कि 5 वर्ष हमें हो गए। अंतिम दृश्य में ये दिखा रहा है कि सिंघल में आए हुए दोनों भाई बहनों को, अर्थात महेंद्र को, कुमार महेंद्र को और मित्रा जो कि संघमित्रा बनकर यहाँ पर आई है, इन दोनों को यहाँ पे आए हुए 5 साल पूरे हो गए हैं और दोनों भाई बहन आपस में क्या वार्तालाप करते हैं, चलिए देखते हैं। महेंद्र कहते हैं कि 5 वर्ष हो गए हमें आए हुए मित्र। संघमित्रा कहती है, हाँ भैया 5 वर्ष। महेंद्र कहते हैं कि तुमसे भैया नहीं छूटता है और हंसता है, अच्छा हुआ कि संघ ने तुम्हें इसके लिए आज्ञा दे दी है। तो संघमित्रा कहती है कि भैया 7 समंदर पार इस देश में हृदय थोड़ा अपनापा खोजता ही है। हाँ 5 वर्ष हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए। महेंद्र कहता है, काया पलट हो गई है इस सिंघल की। विजय, यथार्थ विजय यही है संघमित्र। विजय जिसमें एक बूंद रक्त नहीं बहाया जाए, विजय जिसमें पराजय का कहीं नाम भी ना हो, विजय जहाँ विजेता और विजित में अंतर ही नहीं रह जाए। महेंद्र कहता है कि इन 5 वर्षों में कैसी काया पलट हो गई है संघमित्र, यही यथार्थ विजय है। विजय वह जिसमें रक्त का एक बूंद भी ना बहाया जाए, विजय वह जिसमें पराजय का नाम भी ना हो, और विजय वह जिसमें विजित और विजेता में कोई अंतर ही ना रह जाए। वो याद करते हुए कहता है कि कहाँ कलिंग विजय और कहाँ सिंघल विजय, इन दोनों में काफी अंतर था क्योंकि कलिंग विजय में भयंकर रक्तपात हुआ था। मेरे दर्शकों को याद होगा मैंने संघमित्रा नाटक की प्रस्तुति जब की थी तो कलिंग विजय का जो दृश्य था वो बेहद ही दिल दहलाने वाला था, बहुत ही हृदय विदारक था, क्योंकि कलिंग पे जो विजय हुई थी उसके बाद कलिंग में शायद ही कोई जीता रह गया था, समस्त कलिंग के लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और ऐसा लगता था कि अशोक जो है वो मृत देश का राजा है, बस एक नीलमणि ही बच गया था, वो भी काफी घायल था, आहत था, जिसे अशोक वहां से उठाकर अपने यहाँ पाटलिपुत्र के राजप्रसाद में ले आए थे। तो उसी चीज को याद करते हुए महेंद्र कहता है कि कहाँ कलिंग विजय और कहाँ सिंघल विजय। सिंघल विजय को धर्म के रास्ते से जोड़ा जा रहा है, धर्म का प्रचार हो रहा है, धर्म के द्वारा लोगों के हृदय में चिरकालिक स्थान बनाया जा रहा है और दया, करुणा, प्रेम ये तमाम भावनाएं इसमें समाहित हैं। और ये विजय जो है उस विजय की तुलना में काफी अलग है, बहुत अंतर है इन दोनों ही विजयों में, कहाँ कलिंग विजय और कहाँ सिंघल विजय। संघमित्रा कहती है कि कलिंग में तो हम जीते नहीं, हारे थे भैया, हमारी यथार्थ विजय तो हुई है इस सिंघल में। विजय जिसमें विजित के हृदय में विजेता के प्रति घृणा न हो, विजय जिसमें विजेता की आकांक्षा हो अधिक से अधिक सेवा करना, और जिसमें विजित की आकांक्षा हो विजेता को अपने हृदयासन पर बिठाए रखना, सचमुच यही विजय यथार्थ विजय है भैया। महेंद्र कहते हैं कि यह अंतिम बात तुमने पते की कही मित्रे, देखो ना ये हमें अपने देश को वापस भी नहीं जाने देते। जब जब मैंने चर्चा चलाई कि अब हम भारत लौटेंगे, इन्होंने कैसी उदासी प्रकट की और हमें स्नेहाभिभूत करके रोक ही लिया। संघमित्रा कहती है कि भैया यदि मुझे ये भगाना भी चाहे तब भी मैं लंका नहीं छोड़ सकती, मेरा मन तो इस भूमि में रम गया है। भूमि कितनी सुंदर, लोग कितने सरल, किसने इन्हें राक्षस कहा। महेंद्र कहता है कि जिन्होंने राक्षस कहा उनकी सीता यहाँ बंदिनी बनी, हमने इन्हें मानवता का संदेश दिया, हमारी संघमित्रा यहाँ की पूजनीय देवी बन गई हैं। महाराज तिश्य का आगमन, महाराज तिश्य, हाँ हाँ देवी संघमित्रा हमारी पूजनीय देवी हैं और कुमार महेंद्र हमारे आदरणीय देवता। हमने अपनी इस देवी और देवता के लिए जब तक ये
हम लोगों की तरह चलते फिरते हैं अपने हृदय में सिंहासन बना रखा है, और जब वे यह लीला समाप्त करेंगे तब के लिए देखिए कुमार, वहां उस सुंदर प्रदेश में हमने ऋषि भूमि आंगन सजा कर रखा है। उनकी समाधि के फूल भी युग युग तक हमारे लिए उतने ही वंदनीय पूजनीय होंगे। और महाराज तिश्य के इस कथन के साथ पटाक्षेप हो जाता है, अर्थात एकांकी जो इतने दिनों से हम पढ़ रहे थे उसका अंत हो जाता है। तो सिंहल विजय नाटक आप लोगों को कैसा लगा, जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा, और यदि आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार में सहभागिता निभाइए, क्योंकि यदि आप हिंदी के प्रचार प्रसार में थोड़ी सहभागिता निभाएंगे तो आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और गुजारिश मैं इस मंच से करना चाहूँगी कि आजकल एक फैशन सा चल पड़ा है कि हम जो आपस में मैसेजेस वगैरह लिखते हैं उसके लिए भी हम लोग रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, और देवनागरी कहीं छूटती जा रही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि देवनागरी छूटे ना, हिंदी रूठे ना। इसी संदेश के साथ मैं नीलकमल आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस सिंहल विजय यात्रा को संपूर्ण करने में। मिलते हैं हिंदी की किसी अन्य विधा के साथ। धन्यवाद।